अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, बोले समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच तेज, आरोपियों के नेटवर्क खंगालने में जुटी एसटीएफ। नकल करने वाले अभ्यर्थियों के मददगारों की लिस्ट एसटीएफ ने बनाई, गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ जारी। नकल करने वाले गुरबचन के गैंग लीडर मोनू मलिक और कपिल की तलाश तेज, गाजियाबाद से गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी को ब्लूटूथ के जरिए करा रहे थे नकल। लखनऊ में व्हाट्सएप पर पेपर भेजने वाले नीरज के भी नेटवर्क को खंगाला जा रहा, नीरज ने पूछताछ में मथुरा के किसी उपाध्याय के जरिए पेपर मिलने की कही बात। उत्तराखंड से भी जुड़े हो सकते हैं नकल कराने वाले गैंग के तार, स्पेशल टास्क फोर्स हर पहलू की कर रही है जांच। लखनऊ में यादव महाकुंभ का होगा आयोजन, मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव करेंगे महाकुंभ का नेतृत्व। जमशेदपुर में जलापूर्ति न होने के चलते लोग कर रहे प्रदर्शन, 2015 में आई थी वाटर सप्लाई स्कीम, अब तक नहीं मिला योजना का लाभ। लखनऊ में सीएम योगी ने अस्पताल में जाकर घायल लोगों से की मुलाकात, सड़क हादसे में सभी लोग हुए हैं घायल। बिचोले में सीएम प्रमोद सावंत ने परियोजनाओं का किया शिलान्यास, सीएम ने नारियल फोड़कर योजनाओं की शुरुआत। पुणे में आयोजित डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों को देखने के लिए लगा लोगों का तांता, लोग देख रहे कई तरह के टैंक और राइफलें। महेंद्रगढ़ में 40वें स्टेट लाइव स्टॉक एग्जीबिशन 2024 का हुआ आयोजन, गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय ने किया उद्घाटन। गुलमर्ग में खेलो इंडिया फेस्टिवल का शानदार आगाज, लोग बर्फ में विंटर स्पोर्ट्स का ले रहे आनंद। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी दिवंगत पत्नी को उनके जन्मदिन पर किया याद, पत्नी की समाधि पर अर्पित किए पुष्प। धौलपुर में मचकुंड धाम में सीएम अजय लाल शर्मा ने किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। महेंद्रगढ़ में पशुधन मेले का हुआ आयोजन, मेले में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर, दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। भद्राद्री कोठा गोडेम में सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय ने किए दर्शन, पूरे विधि विधान के साथ सीएम ने किया पूजा पाठ। कोटा में एसपी ने हॉस्टल मालिकों और स्टाफ के साथ की बैठक, बच्चों की देखरेख के लिए दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में अमृत यमुना प्रोजेक्ट के तहत यमुना में चला सफाई अभियान, युवाओं समेत सभी आयु के लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों ने पानी और आसपास के इलाके से गंदगी हटाई, यमुना को स्वच्छ बनाने का है लक्ष्य। मुंगदा में मुत्यालम्मा मंदिर के पुनः प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुई बीआरएस विधायक के कविता, विधायक ने मंदिर प्रबंधन से की मुलाकात। काठमांडू में यूएस एम्बेसी ने हिप हॉप मेले का किया आयोजन, युवाओं ने मेले में जमकर किया डांस। गुरुग्राम में गुरुग्राम मैराथन 2024 का हुआ आयोजन, मैराथन में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। तिरुवनंतपुरम में महिलाओं ने मनाया अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल, विधि विधान के साथ हुआ धार्मिक अनुष्ठान। कैथल में एमपी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए कार्यक्रम में शामिल, लोगों को सीएम ने किया सम्मानित। कठुआ में सामने आई रेलवे की बड़ी लापरवाही, कठुआ से बिना ड्राइवर के चली मालगाड़ी ने तय की 70 किलोमीटर की दूरी, ऊंची बरसी में रेलवे ने ट्रेन को रोका। चंडीगढ़ में जारी है 52वां रोज फेस्टिवल, कलाकार ढोल नगाड़े बजाकर कर रहे मेहमानों का स्वागत, लोग गुलाबों के साथ खिंचवा रहे फोटो। वडोदरा में 51वें फल फूल और सब्जियों की लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी में देखे रंग बिरंगे फूल के पौधे। सीवोक में जोरों पर चल रहा पहले रेलवे प्रोजेक्ट का काम, सीवोक और रांगपो तक होगा ट्रेन का परिचालन। पुष्कर में सीएम मोहन यादव ने ब्रह्म सरोवर के किए दर्शन, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। राजसमंद में नाथजी मंदिर में कोकिलाबेन अंबानी ने किए दर्शन, विधिवत किया पूजा पाठ। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को अब जीत के लिए चाहिए 152 रन, भारत ने दूसरी पारी में बनाए बिना विकेट खोए 40 रन।
इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रनों पर सिमटी, टीम इंडिया को मिला था 192 रनों का टारगेट। फिरकी के फेर में फंसे अंग्रेज, अश्विन ने खोला पंजा। कुलदीप यादव ने भी की शानदार गेंदबाजी, चटकाए 4 विकेट, वहीं जडेजा को मिला 1 विकेट। इंग्लैंड की ओर से सिर्फ जैक क्रॉली ही कर सके भारतीय गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना, बनाए 60 रन। एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया फूडी वीडियो, जाहिर की फूड ब्लॉगर बनने की इच्छा। आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें, माथे पर तिलक लगाए नजर आए आयुष्मान। एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ने ओपनिंग डे पर कमाए 5,75,00,000 रुपए, बतौर सोलो लीड एक्ट्रेस की थिएटर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने अपने बेटे का नाम रखा वरदान, विक्रांत ने सोशल मीडिया पर दिखाई बेटे की पहली झलक। शिल्पा शेट्टी ने मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में खोला नया रेस्टोरेंट, ओपनिंग से पहले शिल्पा ने किया हवन पूजन। अमेरिका और ब्रिटेन में यमन में 18 हुती ठिकानों को बनाया निशाना, शनिवार को यमन के 8 जगहों पर ईरान समर्थित गुट पर हुए हमले। हुतियों का भी अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले का दावा, हुती सैन्य प्रवक्ता याहा सरईद ने अमेरिकी झंडे वाले जहाज को निशाना बनाने की कही बात। इजरायली सेना प्रमुख ने गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य अभियान को बताया सबसे कारगर रास्ता, इजरायली सेना प्रमुख ने उत्तरी गाजा में कमांडरों से की मुलाकात। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार, 18 लोग गिरफ्तार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिणी कैरोलिना में निक्की हैली को दी मात, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के लिए अब तक हुए 5 चुनाव जीत चुके हैं ट्रंप। पश्चिमी नेताओं का यूक्रेन को लंबे दौर तक समर्थन का वादा, यूक्रेन लड़ाई के 2 साल पूरे होने पर कीव पहुंचे कई नेता। सेंट पीटर्सबर्ग की प्रदर्शनी में दिखी रूस की सैन्य ताकत, आर्मी डे पर आयोजित 2 दिन की प्रदर्शनी देखने जुटी भीड़। मां को सौंपा गया रूसी विपक्षी नेता नावलनी का शव, नावलनी की प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी जानकारी, प्रवक्ता ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। पेरिस में कृषि मेले में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ किसानों ने सीटी बजाकर की नारेबाजी, मांगों को लेकर मैक्रों पर कुछ भी नहीं करने का लगाया आरोप। ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी ने जापान में लगाया अपना पहला प्लांट, जापान ने कंपनी को $4.86 बिलियन की सब्सिडी देने का किया ऐलान।